एक्सप्लेन करता हूँ कल क्या हुआ। हुआ ये, कल पूरे दिन मैंने सोचा कल का वर्कआउट बहुत ख़तरनाक जाएगा, लेकिन कल शाम में ऐसी ख़तरनाक गर्मी में जिसकी वजह से वर्कआउट तो हम लोग ने लगाया लेकिन उस क्वालिटी का वर्कआउट नहीं हो पाया जिस क्वालिटी का वर्कआउट हम लोग ने सोचा था। स्क्वाट्स लगाए, लेग एक्सटेंशंस का हमने सोचा था कि 25 kg से हम 15 के रेप से निकालेंगे, जो मेरा नॉर्मल वेट होता है जिससे मैं लगाता हूँ। लेकिन पहला सेट 15 kg का लगाना शुरू किया, वो ही वेट मुझसे नहीं उठ रहा था। मेनली उसका रीज़न हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि या फिर मैं स्क्वाट्स लगा के आ रहा था फ़ौरन, उसकी वजह से वेट्स नहीं उठ रहे थे, या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है, इतनी जो ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही थी उसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। और एक बात और आपसे बता दें कि जिम की मेम्बरशिप ख़त्म हो गई, मुझे कुछ करके भी आज या कल में जाके जमा करनी है, तो जहाँ तक हो सकता है आज मुझे वर्कआउट मिस करना पड़े, आज या कल में जाके मुझे मेंबरशिप जमा करनी है। इसके बारे में अभी आपसे मैं आगे और बात करता हूँ किस रीज़न की वजह से मैंने अभी तक फ़ीस को नहीं जमा किया है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट। तो एक रीज़न ये होता है कि आप जिम नहीं जा पाते किसी भी रीज़न की वजह से, बारिश की वजह से हो सकता है वो, या फिर और कोई आपकी तबीयत ख़राब हो उस वजह से आप जिम नहीं जा पाते। लेकिन एक रीज़न वो भी हो सकता है जब आपकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। वैसे ही मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है, 3 months की थी मेरी मेंबरशिप, 10th of March 2023 से शुरू की थी और 10th of June 2023 को ख़त्म हुई थी। उसके बाद में तो कुछ दिन दिया था होपफुली, क्योंकि जिम वाले थे तो ठीक थे कि आने दिया था मुझे। अब मेरी मेंबरशिप ख़त्म हो चुकी है लेकिन कुछ दिनों से ख़रीद नहीं पा रहा था, अब ख़रीद लूँगा 1-2 दिन के अंदर। तब तक के लिए 1-2 दिन के लिए मैं अभी जिम नहीं जा पाऊँगा। होपफुली कोई ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे खुद जिम की मेंबरशिप ना भरनी पड़े, मुझे कोई स्पॉन्सर करे, होपफुली एक दिन ऐसा आएगा, मुझे पता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पॉजिटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एज ऑलवेज आई लव यू।